फ्रेंड वेलकम टू एशियन सिविल वर्ल्ड। आज इम्पैक्ट एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करेंगे। ये एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट मशीन है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले एग्रीगेट का वेट कर लेंगे। एग्रीगेट का वेट कर लिया हूँ, देखिए ये 2 किलो एग्रीगेट का मैं वेट किया हूँ, ठीक है। अभी इसका क्या करना है, पहले सीवी एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पहले 20 का, ठीक है, पहले 20 का, उसके बाद 16 mm का, उसके बाद 12.5 mm का, उसके बाद 10 mm का, उसके बाद 4.75 का, उसके बाद 2.36 mm का, उसके बाद है पेन, ठीक है। तो अभी इसमें सी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सी एनालिसिस हो गया है, अभी क्या करेंगे, अभी देखेंगे 12.5 mm से पासिंग और 10 mm से रिटेन। ये इसके अंदर जो एग्रीगेट बच जाएगा ना, उसको हम लोग इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करेंगे एज़ पर आइस कोड, ओके। ये जो 12.5 है इसमें से पासिंग हो गया, और ये जो 10 mm है इसमें जो रिटेन हो गया, ठीक है। अभी देखेंगे कितना कितना पासिंग हुआ और कितना रिटेन है। खोलो, देखिए दोस्त, एक एक करके उठा रहा है, ठीक है। ये देखिए, पहले 20 mm का तीन ही एग्रीगेट बच गया है। अभी जो है 16 mm का, 16 mm के अंदर ये इतना बचा है, ठीक है। तो अभी क्या, अभी 12.5 के अंदर ये अटक गया, ठीक है। ये रिटेंड है, 12.5 जो सीब है इसके अंदर रिटेंड है, ठीक है। अभी ये 12 mm, अभी जो ये 10 mm के इसके अंदर जो बच गया है ना, इसको ही करेंगे हम इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, ठीक है। इसको ही करेंगे इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, जो 10 mm से रिटेंड है, मतलब 10 mm में सीब में जो अटक गया उसको ही करेंगे इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। तो क्या करेंगे, इसको हम इस एग्रीगेट को ले लेंगे, ठीक है। जो इम्पैक्ट वैल्यू का जो मोल्ड है ना, उस मोल्ड में पहले हम लोग वेट कर लेंगे, पहले मोल्ड का वेट करेंगे, उसके बाद मोल्ड प्लस एग्रीगेट दोनों के एक साथ में वेट करेंगे, ठीक है। देखिए इसको कितना जितना रिटेंड हो गया, ठीक है, इसको पहले ले रहा, इसको इतना सा एग्रीगेट हमारा बच गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले मोल्ड का वेट कर लेंगे, ठीक है। पहले मोल्ड का वेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा मोल्ड आ गया 730 ग्राम का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मोल्ड का 730 ग्राम आ गया, ठीक है। जैसे हम लोग तीन लेयर में जैसे कीप भरते हैं ना, जैसे कंक्रीट के कीप भरते हैं, उसी हिसाब से हम लोग इसमें भी एग्रीगेट का भरेंगे तीन लेयर में, वो भी एक एक लेयर में 25 mm बार 25 बार ठोकेंगे। तो देखिए एक एक बार में एक तीन बार में 25 mm बार करके मारेंगे। देखिए पहले लेयर में 25 mm 25 बार मारेंगे लेयर में, ठीक है। दूसरे जो लेयर होगा उसमें भी 25 बार मारेंगे, जो तीसरे लेयर होगा उसमें भी 25 बार मारेंगे। देखिए ऐसा करके धीरे धीरे इसको ठोकेंगे, ठीक है। 25 बार मार लिया है, अभी क्या करेंगे, इसको लेबल करेंगे ऐसे करके, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इसका वेट ले लेंगे, फिर इसका हम लोग वेट ले लेंगे, इसका वेट ले लो। इसका देखिए टोटल कितना आ रहा है, टोटल 1045 ग्राम आ रहा है, ठीक है, 1045 ग्राम आ रहा है। ये देखिए कौन सा है, वेट ऑफ मोल्ड जो कल, तो कितना है 730 ग्राम, जो वेट ऑफ मोल्ड है ये 730 ग्राम है, और एग्रीगेट प्लस
मोल्ड वेट, ठीक है। तो कितना आया देखिए, 1045 ग्राम। तो 1045 ग्राम, तो ये हो गया मेरा W1 और ये हो गया W2। तो अभी मैं सिर्फ मेरा एग्रीगेट इसके अंदर कितना है, तो क्या करेंगे, सिर्फ एग्रीगेट का वेट, एग्रीगेट वेट कितना होगा, W2 माइनस W1, ठीक है, W2 माइनस W1। तो कितना होगा, 1045 माइनस 730, तो कितना हो रहा है, कैलकुलेट करेंगे अभी। तो देखिए दोस्त, ये 1045 माइनस 730, तो हमारा कितना वेट आ रहा है, 315 ग्राम, ठीक है। ये हमारा आ गया 315 ग्राम, ठीक है। अभी ये इसमें क्या करेंगे, इसको अभी क्रशिंग करेंगे, ठीक है। वो जो AIB इम्पैक्ट वैल्यू मशीन जो दिखाया, उसमें अभी हम क्रशिंग करेंगे। ये जो मोल्ड में जो एग्रीगेट है ना, इसको क्या करेंगे, अभी क्रशिंग के लिए ये वाला जो मोल्ड है इसमें डालेंगे, ठीक है। इस मोल्ड में डाल के फिर इसमें क्रशिंग करेंगे। देखिए इसको डाल दिया, ठीक है, ऐसे करके डाल रहे हैं। इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा वाइब्रेटिंग कर लेंगे, एक लेवल में आ जाएगा, ठीक है, एक लेवल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 बार ठोक देंगे इसमें, ठीक है, इसमें भी 25 बार थोड़ा ठोक देंगे एक लेवल में आने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब क्रशिंग होगा ना, तो लोड सबके ऊपर बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे, इसमें अभी जो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट जो आपको दिखाया था, इसमें अभी लगा इसको अभी टेस्ट करेंगे। इसमें इसको पहले उठा लिया, ठीक है, इसमें अभी लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो अटकने वाला है ना, इधर में एक अटकने वाला नट बोल्ट ले रहता है, वो हमारा ख़राब हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको 25 बार मारेंगे, ठीक है, स्टार्ट करो, 15 बार मारेंगे इसमें, ठीक है, मारो एक बार, हो गया हमारा 15 बार। अब इसको क्या करेंगे, 2.36 जो सीव है ना उसमें से अभी चेक करेंगे सीव, ठीक है, चेक करेंगे, ठीक है, 2.36 का ये सीव है, ठीक है। तो अभी इसमें चेक करेंगे कितना पासिंग हो रहा है, कितना रिटेंड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर हम लोग को क्या होगा, क्रशिंग वैल्यू पता चल जाएगा। ये 2.36 का सीव है, ठीक है, ये एक्चुअली सैंड वाला सीव है, तो थोड़ा है, इसीलिए इसमें चेक कर रहा हूँ, चेक करो, थोड़ा अच्छा से इसको चल लेना है, क्योंकि जो क्रशिंग होता है, जो पाउडर जैसे बन गया है ना, वो सब कुछ निकल जाएगा। अभी जो रिटेंट है उसको मैं वेट कर लेंगे, ठीक है, ये कितना मेरा रिटेंट आया है, 313 ग्राम के अंदर, ठीक है। देखिए दोस्त, इतना पूरा क्रशिंग हो गया, क्रशिंग होकर पूरा रिटर्न हो गया, ठीक है, इतना सा। तो क्या करेंगे, वो रिटर्न जितना है उसको पहले हम लोग वेट कर लेंगे, वेट कर लो। अभी क्या करेंगे, अभी इसको जो ट्रे है, ट्रे को रखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, जीरो कर लेंगे, जीरो कर लो, इसको हम लोग जीरो कर लें। अभी जो हमारा जो रिटेंट है, जो रिटेंट है उसको हम वेट करेंगे, ये जो रिटेंट है, रिटेंट का हम वेट करेंगे। तो कितना ग्राम आया है, ये हमारा आ गया रिटेंट कितना, 255 ग्राम, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्या, जो 2.3 सीव रिटेंट एग्रीगेट कितना है, 255, ठीक है, 255 ग्राम, ओके। अभी जो पासिंग है, पासिंग का वेट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको फिर हटा देता हूँ, अभी पासिंग का वेट कर लेंगे,
पासिंग का वेट करो। अभी जो पासिंग है शायद एक एक दो ग्राम इधर उधर होगा, क्योंकि अभी पाउडर होगा है ना, थोड़ा इसको इसको चालू करो। हाँ ठीक है, अभी मेरा कितना आ गया है, कितना दिख रहा है, अभी दिख रहा है हमको 61। ठीक है, तो अभी जो पासिंग है क्रिकेट है, पासिंग एग्रीगेट, एक्चुअली इसका वेट नहीं करते क्योंकि ये पाउडर बन जाता है ना, तो इसका वेट ज़्यादातर तक नहीं करता, जितना रिटर्न आया है 255 ग्राम ये हम लोग देखना पड़ता है। ठीक है, आप लोग को अभी मैं फॉर्मेट में कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। ये हमारा फॉर्मेट, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट, ये हम लोग डेट लिख दिया है, ये कौन सा प्रोजेक्ट लिख दिया है, हमारा कंपनी का नाम है। ठीक है, अभी क्या है, सोर्स ऑफ एग्रीगेट, मतलब कहाँ से हम लोग ये एग्रीगेट लिया है, कौन सा मतलब कौन सा एमएम नेचुरल मटेरियल, कितना एमएम का एग्रीगेट है। ठीक है, पर्पज़ क्या है, मतलब ये किस लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, कंक्रीट के लिए कितना लिया था, 2 किलो लिया था, मतलब 2 किलो का मतलब कितना, 2000 ग्राम्स। ठीक है, तो मेरा कितना आया था, पहले मेरा आया था ये जो है वेट ऑफ ड्राई सैंपल टेकन, मतलब उसके अंदर मोल्ड के अंदर मैं कितना सैंपल में कितना सैंपल लिया था, कितना लिया था, 1045 माइनस 730 तो कितना है, 315 ग्राम, तो इसमें लिख देंगे 315 ग्राम। ठीक है, 315 ग्राम, रिटर्न कितना हुआ था, 255 ग्राम, तो रिटर्न कितना हुआ, 255 ग्राम। देखिए वेट ड्राई ऑन आईएस 2.36 mm। ठीक है, जो रिटेंड हुआ ये है, अरे वेट ऑफ मटेरियल पासिंग, मतलब ये रिटेंड है, ये पासिंग है। ठीक है, तो रिटेंड कितना हुआ, 255 ग्राम्स। ठीक है, अभी इससे ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 315 से 255 माइनस कर देंगे, 315 माइनस 255 तो कितना रहा, 60 बोला ना, उधर में थोड़ा 1 mm उधर उधर हो, इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर कितना है, 60, तो अभी क्या करेंगे, टोटल वेट ये हमारा हो गया है बी, देखिए ये हमारा हो गया है बी और ये हो गया है ए, बी प्लस सी, ये हो गया हमारा सी। ठीक है, इसको और इसको प्लस करके सेम 315 आएगा, मतलब 255 प्लस 60 315 है, 315। ठीक है, तो ये हो गया 315। अभी हमारा क्या आएगा, एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू जो परसेंटेज है वो लेके आएंगे। ठीक है, ये हमारा बी है, बी बाई ए, ठीक है, इंटू 100, मतलब बी हमारा कितना है, 60, बी हमारा आ गया 60 डिवाइड बाई 315A, ठीक है, इंटू 100 कितना है, 19.04 इतना परसेंटेज आ गया। ठीक है, ऐसे करके फिर दूसरा बार फिर तीसरा बार टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एवरेज जो आएगा इसमें लिखना है। ठीक है, ये एक्सेप्ट वैल्यू कितना है, 45%, मतलब ये 45% से अगर ऊपर जाएगा तो ये एग्रीगेट फेल है। ठीक है, तो ऐसा करके इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट टेस्ट होता है AIB टेस्ट मशीन से। ठीक है, तो दोस्त आप लोग सब आज पूरा बता दिया हूँ जो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट के लिए टेस्ट कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़ा रहिए, हर दिन एक नया नया टेस्ट लेके आएंगे, हर दिन आप लोग को एक एक नया नया टेस्ट दिखाएंगे, तो आप लोग को थोड़ा जानकारी भी मिल जाएगा हर चीज़ का। ठीक है, अगर फॉर्मेट बनाना है तो इसी हिसाब से आप लोग फॉर्मेट बना सकते हैं। थैंक यू, आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।